गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम रहेगा अपना ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। क्या नाम रहेगा? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, मतलब दो सेट्स दिए हुए हैं तो उनमें क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ वो दो नंबर्स दिए हुए हैं तो 2+3 होता था, 2 × 3, 2 − 3, 2 / 3, 2 power 3, इस तरीके से कई चीजें होती थी। उसी तरीके ये सब क्या ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड पावर, एलसीएम भी लेते थे। इस तरीके कई ये सारे ऑपरेशन हम नंबर्स में करते थे, तो सेट थ्योरी में भी इस तरीके से हमें कई ऑपरेशन करने होंगे। ऑब्वियसली वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, उनका नाम कुछ अलग अलग रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो क्या रहेगा पहले, इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन लेते हैं, अगर दो सेट ए और बी हैं तो उनके यूनियन को डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी की जो डेफिनेशन हम लोगों को बताई जाती है दैट इज एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स जो एक्स है वो या तो ए का एलिमेंट हो या फिर वो बी का एलिमेंट हो, मतलब किसी का भी एलिमेंट है वो ए यूनियन बी के पास तो आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर ए अपने पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बी अपने पास एक दूसरा एलिमेंट है जिसमें है 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट जितने भी लिखने हैं एफ, और नाउ दे आर आस्किंग ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे, तो ए ई आई O, U, B, C, D, E, F। अब इसमें ध्यान देंगे तो अपने को क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं कई चीजें, जो चीजें रिपीटेशन में होती है सेट में वो चीजें नहीं लिखते। तो क्या मिलेगा, A, E, I, O, U, B, C, D। तो ये क्या हो गया, A यूनियन B हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल अगर मैं और लेके आपको दिखाऊं, A कोई सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 6, 8। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे लेकिन जो लोग रिपीट हो रहे हैं उन्हें नहीं लिखेंगे। पहले ए के सभी एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे बारी बारी से लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, ऑलरेडी 6 भी है तो क्या बचा 8, क्योंकि दो बार नहीं लिखना होता, रिपीट नहीं करना होता, तो ए यूनियन बी अपने पास इस तरीके से निकल के आता है। तो A यूनियन B मतलब एक तरीके से ऑल द एलिमेंट, जो A में हो या B में हो, मैं सभी एलिमेंट्स को लिखना है, ध्यान ये देना है कि रिपीट नहीं करना है, जो एलिमेंट एक बार आ गया है उसको दो दो बार तीन तीन बार हमें नहीं लिखना है। क्लियर है, हाँ या ना। इसी तरीके से सेकंड जो आता है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या निकालना, इंटरसेक्शन, इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। इसकी जो डेफिनेशन निकल के आएगी, सिमिलरली मैं इसी कंसेप्ट के हिसाब से चलता हूं, ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, डेफिनेशन फॉर्मेट जो होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स जो है वो एलिमेंट है वो ए का हो या बी का हो, लेकिन कैसे है एंड है, मतलब दोनों का एलिमेंट चाहिए। तो इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से कॉमन एलिमेंट, हमें कौन से एलिमेंट चाहिए जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो। जैसे फिर से वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास ए है ए बी सी डी ई और बी है ए ई आई ओ यू, और हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो क्या ढूंढना है, ए और बी दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, और कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या निकल के आए अपने पास, ए और ई। द सेम वे अगर सेकंड के लिए बात करें, यही एग्जांपल अगर लो, ए इज गिवन एज 1, 2, 3, 4, 5, बी कितना आ जाएगा 5, 6 तक लिया था हमने, ओके बी मैंने लिया था 2, 3, 4, 6, 8। अब मैं अगर इसके इंटरसेक्शन की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 2, 3, 4, 6, दैट इज द
कॉमन एलिमेंट्स। ये बातें समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि यूनियन जो है हम दो सेट्स के बीच में लगा सकते, यूनियन हम दो से ज्यादा सेट्स के बीच में लगा सकते, 3 सेट्स में, 4 सेट में, 5 सेट में, जितनी इच्छा है उतने सेट्स में लगा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, लेट से ए इज 1 2 3 4 5, बी इज 2 3 5 7, सी इज गिवन एज 3 5 9 4, समथिंग लाइक दिस। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट मैं पूछ रहा हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्स यूनियन सी, ठीक है, इसको ऐसे लिखो या ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो, जब सेम सिंबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, मतलब तीनों के कॉमन एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिख के देने हैं। तो तीनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7 9, क्योंकि किसी भी चीज का रेपिटेशन हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9, कुछ नहीं बचा। इन द सेम वे अगर हमें पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमें क्या लिखना है, तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो लिखना है। 1 है यहाँ पे, इधर नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 2 बट 2 इधर नहीं है, 3 3 3 3 यस 3 है, 4 यहाँ पे है बट इसमें नहीं है, मतलब वो लिखने हैं जो तीनों के पास हो। हाँ 5 3 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा अपना, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपके लिए इसी में आ जाता है थर्ड, जो आप लोग मुझे करके बताएंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी है कमेंट्स में लिखिए इसको आप लोग। तो करेंगे कैसे, पहले ए और बी का यूनियन लिखेंगे, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, कॉमन ऑल एलिमेंट 1 2 3 4 5 7, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, 3 5 9 और 4 के साथ। तो इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 3 5 और 4, ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर, दैट इज 3, 5, 4। क्लियर है सारी बात? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, ऑपरेशन ऑन द सेट्स करना है, उसमें भी हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा यूनियन ऑफ सेट, दूसरा पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है कि एक एलिमेंट ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, जो क्या बोलता है कि एक्स जो एलिमेंट है वो या तो ए को बिलोंग करे या तो बी को बिलोंग, मतलब या तो वो ए के घर से भी आ सकता है, बी के घर से भी आ सकता है, वो हमारे सभी ए यूनियन बी में आएंगे। मतलब ए में अगर मैंने सेट लिया ए ई आई ओ यू, बी में लिया ए बी सी डी ई एफ, हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी ई एफ, मैंने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ए दो बार रिपीट हुआ, ई दो बार रिपीट हुआ, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखा, ए ई आई ओ, मतलब एक बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा तो उसको पूरा, जो रिपीट हो रहा है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे, एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, बी क्या है, 2 3 4 6 8, हमें क्या निकालना है, दोनों का यूनियन निकालना। तो यूनियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब दोनों एलिमेंट्स पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 3 4। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 8 एक और दिखाई दे रहा है, मतलब सभी को लिखना है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखना है। मतलब इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट है जिस जिस घर में है सबको लिख दो, जो रिपीट हो रहे हैं उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। क्लियर है बात इतनी? इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, मतलब जो ए को भी बिलोंग करे और बी को भी बिलोंग करे। तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए यहाँ पे क्या है, सेट ए है जिसमें ए बी सी डी ई है, बी एक सेट है जिसमें क्या है, ए ई आई ओ यू है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, ए कॉमा ई, ठीक है। अब ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बी क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4, 6, 8। अब हमें क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब वो एलिमेंट जो कॉमन है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो 2, 3, 4, 6 हमने लिख दिया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेके समझाया है कि दो से ज्यादा सेट्स हो तो भी हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को किसी तरीके की समस्या है तो बताइए, कमेंट्स में लिखिए, ठीक है, मैं देख के आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके है यहाँ तक, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में ही आगे एक चीज और आएगी, दैट इज द डिफरेंस सेट।
जैसे 2 माइनस 3 करते थे, 3 माइनस 4 करते थे, वैसे ही यहां पे भी आता है थर्ड कंसेप्ट, दैट इज डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट बोलता क्या है, डिफरेंस सेट में अगर a माइनस बी भी बोल सकते हैं और b माइनस ए भी बोल सकते हैं। a माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ, a माइनस बी का मीनिंग हुआ कि x सच दैट x x a बिलोंग करे एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। a माइनस बी में हमें उन एलिमेंट्स को लिखना है जो a को तो फॉलो करते हैं लेकिन b को नहीं फॉलो करे। बात समझ आ रहे, मतलब एक्सक्लूसिव ए चाहिए, मतलब वही लोग चाहिए जो केवल ए के घर जाते हैं, उनका बी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से बी माइनस ए के पास जाएंगे तो ये बोलेगा x such that x x belongs to b and x does not belongs to a। b के वो एलिमेंट्स को लिखना है जिनका a से कोई वास्ता नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूं फिर से वही पुराना, a b c d e। b क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लो, a e i o u, दो सेट हमने एज्यूम कर लिए। अब हमें जब a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी मतलब a के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो a के एलिमेंट्स क्या होते हैं, a b c d e। अब a के एलिमेंट्स लिखने जो b के घर नहीं जाते हैं, a जो है वो b के घर जा रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, e जो है वो भी b के घर जा रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, b कॉमा c कॉमा d, सो दिस विल बी आवर आंसर। ये बात समझ में आई, तो a माइनस बी इस तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, a और ही रहेगा, बाद में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन द सेम वे b माइनस a लिखना है तो b के एलिमेंट्स लिखो, a e i o u, और इसके बाद क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स a में है उसको माइनस कर दो a और e, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, i कॉमा o कॉमा u। ये बात समझ में आई, तो ये चीजें होती हैं डिफरेंस सेट। तो a माइनस बी पूछेंगे तो a के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, b को गायब करेंगे, b माइनस a पूछेंगे तो b के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे और उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे जो a में पहले से अवेलेबल है। क्लियर है, हाँ या ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं a इज गिवन एज 1 2 3 5 7, b इज गिवन एज 2 4 5 9 11, ठीक है। Someone asking what is a minus b? A minus b की बात करें तो a के सभी elements को लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 7. उन elements को हटाएंगे जो b में भी है, कौन है, 2 है, 3, 5, 5 है, हटा देंगे तो अपना आंसर कितना देगा, 1, 3, 7. इसी तरीके से अगर हमारे पास b minus a है तो b के सारे elements को लिखेंगे 2, 4, 5, 9, 11. अब इसमें जो जो एलिमेंट्स ए में है वो माइनस करेंगे, 2 है तो 2 गायब हो जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में क्या मिलेगा, 4 9 और 11। क्लियर है इतनी बात, यस और नो। इसी के बाद एक और चीज आती है, दैट इज द फोर्थ सेट, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट को ए डेल्टा बी बोलो या फिर बी डेल्टा ए बोलो, दोनों एक ही चीज है, ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए। ए डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं चाहे वो a माइनस बी को बिलोंग करें या b माइनस ए को, मतलब a डेल्टा b कुछ और नहीं है, a डेल्टा b कुछ और नहीं है, a माइनस बी को निकाल दो और b माइनस ए को निकाल दो और उन दोनों का यूनियन कर लो तो वही चीज क्या हो जाता है, a डेल्टा b। तो ये फॉर्मूला एक निकल के आया कि a डेल्टा b इज a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। क्लियर है, एक एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, सपोज करते हैं ए जो लिखा हुआ है कुछ और लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, और बी जो लिखा हुआ है एल क्यू एम एस पी, कुछ भी रैंडम भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो कुछ भी। तो हमें क्या निकालना, ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे,
ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट्स लिखने हैं और वो एलिमेंट्स ही लिखने हैं जो बी में ना हो, तो क्या आएगा, पी तो है कैंसिल हो जाएगा, क्यू है वो भी कैंसिल हो जाएगा, आर आएगा, एस है वो भी कैंसिल, क्या बचा है टी। बी माइनस ए लिखेंगे तो क्या आएगा, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे पूरे, वो नहीं लिखेंगे जो इसके पास है, तो एल लिखेंगे हाँ, क्यू नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे हाँ, एस लिखेंगे नहीं, पी लिखेंगे नहीं। समझ में आया क्यों, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ए माइनस बी का मतलब हो रहा है कि ए के एलिमेंट्स को लिखने हैं जो बी में ना हो, तो ए में तो पांच लोग हैं, लेकिन उन पांच लोगों में से किसको किसको लिखेंगे जो बी में नहीं है, मतलब पी तो बी के पास है तो वो नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे देखो ना माइनस लगाओ तो पी ओ पी कैंसिल हो गया, क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, एस और एस कैंसिल, तो इधर क्या बचा आर टी बचा। जब बी में से ए को माइनस करेंगे तो यहाँ से भी क्यू क्यू कैंसिल होगा, एस एस कैंसिल होगा, पी पी, तो क्या बचेगा एल एम। तो ए डेल्टा बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या मिल जाएगा, आर कॉमा टी यूनियन एल कॉमा एम, दैट इज आर टी एल एम। इसको किसी भी ऑर्डर में आप लिखेंगे दैट विल बी ए डेल्टा बी। अगर कोई बोले बी डेल्टा ए क्या है, तो बोल दो ना कि दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि यूनियन है, ये आगे लिखो ये पीछे लिखो, ये पीछे लिखो ये आगे लिखो, चीज एक ही रहेगी। तो यहां से हमें क्या समझ में आया आज हमने, कि डिफरेंस सेट क्या होता है और सिमेट्रिक डिफरेंस सेट क्या होता है। डिफरेंस सेट मींस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब एक्स के वो एलिमेंट जो ए में भी हो लेकिन बी में ना हो, बी माइनस ए मतलब एक्स के एलिमेंट जो बी में है बट ए में ना हो। एक एग्जाम्पल लिया ए बी, ए बी सी डी ई, बी सेट लिया ए ई आई ओ यू, तो a माइनस बी करना है तो a माइनस बी में क्या होगा, a के एलिमेंट लिखेंगे सभी a b c d e, उनमें से उनको क्रॉस कर देंगे जो b में है, तो a और e, तो क्या मिलेगा b c d। उसी तरीके से जब b माइनस a की बात आएगी तो क्या करेंगे, b के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे a e i o u, उनमें से उसको माइनस कर देंगे जो a के पास है, दैट इज a और e, तो ये मिल गया अपने, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट में क्या बोला जाएगा कि वो एलिमेंट जो दोनों में है, दोनों में है मतलब a माइनस बी भी चलेगा और b माइनस ए भी चलेगा। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंस सेट तो निकालना ही पड़ेगा, तो a डेल्टा b निकालना है, तो पहले मैंने a माइनस बी निकाला दैट इज r कॉमा t, फिर b माइनस ए निकाला दैट इज l कॉमा m, तो a डेल्टा b कितना हो गया a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो r t l m। इनको एक बार नोट डाउन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज चार ऑपरेशन देखे, ऑपरेशन ऑन द सेट्स में यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, डिफरेंस सेट निकालना और सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरी एक एक्सरसाइज है और इतने कंसेप्ट से मैं 100% श्योर हूं कि अगर कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना, ठीक है। अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है, उस सेट्स की ही बात मैं कर रहा हूं, तो एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज क्वेश्चन डिफाइंड सेट, ये हमेशा क्वेश्चन में डिफाइन करके दिया जाएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है, कितना है अपने पास यूनिवर्सल सेट। जैसे सबके पास अपनी अपनी लिमिट होती है, जैसे अभी लॉकडाउन में मेरा जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या है, मेरा फ्लैट है, मैं उसी में रह सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए क्या होता है पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे आगे नहीं रह सकते लेकिन आपने डिस्ट्रिक्ट तक रह सकते हैं, पीएम है तो वो भी इंडिया तक ही रह सकते हैं, उसके बाहर अभी नहीं जा रहे, तो सबकी अपनी अपनी डिफिनेशन होती है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑलरेडी गिवन। जैसे अगर अल्फाबेट्स की बात करें तो उनके यूनिवर्सल सेट्स क्या होंगे, ए से लेके जेड तक, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अगर वॉवेल्स का सेट लिखना है, मतलब अगर कोई बोले यूनिवर्सल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा जेड। अगर इसी में मैं बोलूं कि यूनिवर्सल सेट ऑफ इंग्लिश की जगह यूनिवर्सल सेट ऑफ वॉवेल्स की अगर बात कर लें, यूनिवर्सल
सेट ऑफ वॉवेल, तो इसमें क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट जो होगा नंबर्स पे होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। सपोज करते हैं कि हमें यूनिवर्सल सेट निकालना है, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा, यूजर डिफाइंड पहले से रहेगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर हमें बोला जाए कि यूनिवर्सल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यूनिवर्सल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। तो प्राइम नंबर्स में क्या आ जाएंगे, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। सम नोटिफिकेशन आर कमिंग इन द बैकग्राउंड, आई फॉरगेट टू म्यूट इट, आई विल डू इट आफ्टर सम टाइम। ओके, सो ये हमें क्या पता चल रहा है, यूनिवर्सल सेट हमें क्या होते हैं क्वेश्चन में दिए रहेंगे, बोल देंगे यूनिवर्सल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब हमें इतने में ही काम करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। बोल देंगे यूनिवर्सल सेट ऑफ वॉवेल्स, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जब मिल जाता है, ठीक है, तब हमें एक चीज और आता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। हमेशा इसके लिए यूनिवर्स दिया रहेगा, तो उसको डिनोट करते हैं ए डैश, ए डैश को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट डैश, या ए बार भी बोलते हैं। तो ए डैश को क्या बोलते हैं, यू माइनस ए, यूनिवर्स में से वो चीजें हटा दो जो ए के पास है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल E I O U and A is given as what? Suppose करते हैं E और I, तो what will be A dash? A dash will be U minus A. U minus A means A E I O U minus E and I. तो E और I cancel हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? A O U, अभी अभी पढ़ाया है। A dash क्या होगा? U minus A. अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस सेट में जाएंगे, इसके सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे लेकिन उनको माइनस कर देंगे जो कट रहे हैं, तो ई ई के साथ कट गया, आई आई के साथ कट गया, क्या मिलेगा, ए ओ और यू, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें यहीं पे क्लियर हो जाए। यूनिवर्सल सेट सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट है। अब कोई सेट ए दे दिया है 2 3 5 7, हमसे बोलते हैं कि ए डैस निकालो, तो ए डैस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 2 3 5 7, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 4 6 8 9 10। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस सेट वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, यू माइनस है, तो यू के सभी एलिमेंट्स को लिखे लेकिन जो जो कैंसिल हो जाएंगे उनको नहीं, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 3 के साथ हो गया, 5 5 के साथ हो गया, 7 7 के साथ, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। तो आज की डेट में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि यूनियन ऑफ द सेट क्या होता है, तो यूनियन ऑफ द सेट मतलब सभी लोगों को बुलाना होता है, ए यूनियन बी मतलब ए के लोग भी आ जाएं बी के लोग भी आ जाएं, लेकिन जो लोग रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे। दूसरी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है कि हमें दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखने हैं, क्या कॉमन एलिमेंट्स को, जो ए में भी हुए और बी में भी हैं। उसके बाद अपने पास जो बात आती है थर्ड चीज, वो हमने पढ़ा था डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट का मतलब होता था ए माइनस बी, ए माइनस बी बोलता था ए के एलिमेंट्स को लिखो लेकिन उनको मत लिखो जो बी के यहाँ भी हैं, बी माइनस ए का मतलब होता था बी के एलिमेंट्स लिखो लेकिन उनको मत लिखो जो ए में भी है। फिर आ रही थी बात सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट ने ये बोला था कि ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी ऐसा बोल रहा था कि जो ए माइनस बी है उनको लिखो, जो बी माइनस ए है उनको लिखो, मतलब ए माइनस बी माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या हो रहा था, यूनिवर्सल सेट हमेशा यूजर डिफाइंड रहेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड, वॉवेल्स का ए ई आई ओ यू, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिल गया 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट ऑफ प्राइम नंबर। I have to pause the video for the moment to stop this notification. Complement of the set में क्या होगा? A dash. A dash में क्या आ जाएगा? A के elements के अलावा universe में जो जो है सबको लिखना है।
मतलब ए डैश मतलब यू माइनस ए, यू में क्या है ए ई आई ओ यू माइनस ए, ए में ई और आई, तो क्या मिलेगा ए कॉमा ओ कॉमा यू। उसी तरीके से सेकंड में देखेंगे तो यूनिवर्स में क्या है 10 तक के नेचुरल नंबर है, ए में क्या मैंने बोला 2, 3, 5, 7, तो इसके अलावा जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या हो जाएंगे ए डैश। एक बार इसको नोट डाउन करिए और जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन करिए, ऐसा नहीं कि वीडियो में देख लिया समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है सब कुछ क्लियर है, सारी चीजें आप लोग 2 दिन में भूल जाएंगे। कॉपी में नोट डाउन करिए, एक्सरसाइज प्रॉपरली सॉल्व करिए, जहां पे भी कोई डाउट है डायरेक्टली मुझसे पूछे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना नोट करिए फिर आगे करते हैं अपन कंटिन्यू।